एक होता है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट सिंपल में हम प्रेजेंट सिंपल को जो हम यूज करते हैं उन परिस्थितियों में यूज करते हैं जब हमें कोई ऐसी बात बतानी हो जो कि नित्य प्रति होती है। जैसे ये प्रेजेंट मैंने बताया था, अगर हम प्रेजेंट को थोड़ा सा लंबा कर लें ऐसे, ये प्रेजेंट हमारा काल हो, ये प्रेजेंट है इतना, जो घटनाएं यहां भी होती थी, यहां भी हो रही हैं और यहां भी शायद होंगी, उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। जैसे मैं ठंडे पानी से नहाता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं अब से पहले भी ठंडे से नहाता था, आजकल भी ठंडे से नहाता हूं और शायद आगे भी ठंडे से नहाऊंगा, अपनी आदत बता रहा हूं। क्लियर? इसी तरह से हम कहें कि बिल्लियां चूहे खाती हैं या बिल्ली चूहे खाती है, ये उसकी आदत है, वो कभी से खाती रही है, अब भी खाती है, शायद आगे भी खाए। सूर्य पूर्व से निकलता है, ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है, पहले भी निकलता था, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट की बात है। तो प्रेजेंट सिंपल में जो घटनाएं होती हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट तक सीमित हो, वो वाइडली स्प्रेड होती हैं, उनके हाथ पास्ट में भी होते हैं, फ्यूचर में भी होते हैं और प्रेजेंट में भी होते हैं। ऐसी घटनाओं को हम प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं। इनमें आमतौर पे किसी की आदत की बात होती है, किसी की स्वभाव की बात होती है, कोई यूनिवर्सल लिखने का समय दूंगा दीपांशु आपको, कोई किसी की आदत, किसी का स्वभाव, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई साइंटिफिक फैक्ट, जैसे बर्फ गर्म करने पर पिघल जाती है, ऐसा नहीं कि अभी पिघलेगी वो, या अभी गर्म कर रहे तो पिघल रही है, हमेशा ही पिघलती रही है और शायद पिघलती रहेगी। और किसी का व्यवसाय जब हम बताते हैं, जैसे मिस्टर रामलाल इस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ा, इससे ये पता नहीं है कि वो अब पढ़ा रहे, वो शायद पहले से ही पढ़ा रहे और शायद आगे भी पढ़ाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है? किन परिस्थितियों में इसको बोलना है वो आपको पता लग गया होगा। अब अंग्रेजी में जब आप बोलते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, तो टेंस के बदल जाने से सिर्फ वर्ब की फॉर्म बदलती है, बाकी जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो जिसने काम किया है उसको सबसे पहले लिखते ही हैं। जैसे आप कहें कि मैं चिट्ठी लिखता हूं, काम हुआ है लिखने का, कौन लिखता है? मैं। तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लिखते हैं हम, आई, ये तो हमेशा ही होता है। इसके बाद आपको वर्ब की फॉर्म लगानी होती है एप्रोप्रिएट, उसके बाद जो कुछ बच गया, जैसे एक चिट्ठी, ए लेटर, आई, अब यहां पर राइट मैंने लिखना, उसकी एक फॉर्म हमने चूज करनी है कि कौन सी फॉर्म मिलेगी। तो जितने भी हम टेंस करेंगे ये भी स्थिर रहेगा, ये भी स्थिर रहेगा, सिर्फ वर्ब की फॉर्म बदलेगी। तो इस टेंस में जो प्रेजेंट सिंपल मैंने बोला है, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लिखती है जिसको हम वी वन लिखा, V1 का मतलब है वर्ब की पहली फॉर्म। तो कुछ वर्ब्स की आप फॉर्म याद कर लीजिएगा, आमतौर पे पढ़ी होंगी, जब आप पहली दूसरी में थे तब भी पढ़ी होंगी, पर फिर एक बार देख लीजिएगा, वर्ब की जो फॉर्म होती है, एक V1 पहली को बोलते हैं, V2 दूसरी को बोलते हैं, V3 तीसरी को बोलते हैं, और V4 एक होती है जिसका मतलब होता है V1 प्लस ING। V1 के एंड में ING लगाने से जो बनती है उसको हम रेडी रेफरेंस के लिए V4 बोलेंगे यहाँ पर पढ़ते हुए, ठीक है? और ये आपने देखा होगा कि कभी कभी तो तीनों ही एक जैसी हो जाती हैं, कभी कभी ये दो एक जैसी हो जाती है, और कभी कभी तीनों ही अलग अलग होती हैं, होता ना ऐसा?
तो वो तो आप धीरे धीरे करेंगे याद रहेंगे। अब इसको देखिए, मैं चिट्ठी लिखता हूं, यहां पर मैं ऐसा नहीं है कि मैं अब चिट्ठी लिख रहा हूं, जैसे कोई कहेगा मैं हर रोज एक चिट्ठी लिखता हूं, तो यहां मैं अपनी आदत बता रहा हूं। इसके लिए हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस, यहां पर आई फिर वो आपकी पहली फॉर्म राइट होता है तो राइट ही लिखेंगे, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। वह जैसे ठंडे पानी से था, मैं हर रोज ठंडे पानी से नहाता हूं। नहाने की अगर अंग्रेजी हम लें बी ए टी एच ई बेथ, एक दूसरा वर्ड भी फ्रेज होता है टेक ए बाथ, इनका फर्क भी मैं अभी आपको लगे हाथ बता ही दूं। टेक ए बाथ का मतलब स्नान करना और बेथ का मतलब है नहाना, जो मजे लेके नहाना होता है। आप धूप में नहाना भी बेथ होता है, आप धूप में बैठे हैं आराम से वो भी बेथ होता है, जब मजे के लिए कोई काम करते हैं, ये जब सफाई के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सिंपलर है, इसकी सीधी पे एक ही फॉर्म बनेगी, तो इसको हम वो भी ले सकते हैं, टेक लगाने चाहे आई टेक ए बाथ इन कोल्ड वाटर, आई टेक ए बाथ इन कोल्ड वाटर, मैं ठंडे पानी से नहाता हूं मेरी आदत। With cold water नहीं हो सकता, I take a bath। ये प्रीपोजिशन में करा देंगे, पर फिलहाल आप ये नहीं याद रखो, ठीक है। प्रीपोजिशन करेंगे ना तब ये छोटा छोटा फर्क बता देंगे, कई जगह दोनों चलते हैं कई जगह एक ही चलता है। अब देखिए यहां पर जो विशेष बात आपने ध्यान रखने की है वो क्या है, ये आई की जगह अगर कोई सिंगुलर वर्ड सिंगुलर हो, कोई एक हो काम को करने वाला, और वो आई और यू ना हो, बस इन दो को छोड़कर कोई भी अगर सिंगुलर होगा यहां पर सब्जेक्ट, तो आपने इस वर्ब के एंड में एस या ई एस लगा देना है, या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा, एस लगेगा या ई एस लगेगा ये मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक। और वो किस अवस्था में लगेगा ये एस या ई एस, इसके यहां तो नहीं लगा, कब लगेगा ये एस और ई एस, जब काफी आई और यू के अलावा जब तो काम को करने वाला आई और यू के छोड़कर कोई भी सिंगुलर होगा, तो जैसे ही यहां पर हो तो टेक इसके एस और लगा, ही टेक से इन कोड यहां पर ये एस लग गया। ये अब देखो एस कहां लगेगा और ई एस कहां लगेगा, जब आपको ये डिसाइड करना हो, ये पता लग जाए कि एस या ई एस लगाना तो है ही, और सिर्फ आपको ये चूज करना है कि एस लगाऊं या ई एस लगाऊं, आप ये जो लास्ट में लेटर है ये देख लीजिए, ये अगर ये एस हो या एस एच ओ या सी एच ओ या ओ हो या एक्स हो, इनमें से अगर कोई एक है लास्ट में तो आपने ई एस लगा, नहीं तो एस लगा। अब जो आप लिखना चाहें लिख लें अपने हिसाब से, अगर नोट बनाना है कुछ तो पहली बात तो उसका यूज बताया था मैंने कि किन परिस्थितियों में इस टेंस को यूज करना है, जब किसी की आदत हो, किसी का स्वभाव हो, किसी का व्यवसाय हो, कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, और कोई ऐसी घटना जो पहले भी होती रही है, अब भी होती है और आगे भी होगी, वो हर जरूरी नहीं है हर रोज हो, चाहे वो हर हफ्ते हो, यानी जो रूटीन में काम होता है वो, उन परिस्थितियों में आप इसको यूज करें। वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी हमेशा,
उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं लगेगा, सिर्फ जो वर्ब है उसकी पहली फॉर्म लगेगी और उस पहली फॉर्म के एंड में SEIS लगेगा, उस अवस्था में जब काम को करने वाला एक हो आई और यू को छोड़कर, जब वर्ब का लास्ट लेटर SSHCHO और X हो तो ES लगेगा, नहीं तो S लगेगा। ये आपके सब्जेक्ट है, ये वर्ब लेनी है और बाद में ये ऐड करना है, इनमें से कौन सा किस वर्ब के साथ ऐड होगा ये आपको कॉमन सेंस से पता लग जाएगा। मैं पहला बना के दिखाता हूं, आई से, आई रीड अ बुक, यू रीड ए बुक, ही रीड्स अ बुक, दे रीड ए बुक, मोहन रीड्स ए बुक, मोहन एंड सोहन रीड ए बुक, माई टीचर रीड्स ए बुक, हिज पेरेंट्स रीड ए बुक, क्योंकि पेरेंट्स तो अब अब्बा की बनाएगा। बोलो तरुण जी, दूसरी वर्ब ले लो, सब्जेक्ट वो सारे रहेंगे, यू नहीं, आई से शुरू कीजिए, आई से वर्ब राइट लीजिए, सब्जेक्ट सारे लेने हैं। आई राइट ए बुक, लेटर, बुक भी चल सकता है पर आई राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, दे राइट ए लेटर, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एंड सोहन राइट ए लेटर, माय टीचर राइट्स ए लेटर, हिज पेरेंट राइट ए लेटर। गुड दीपल जी, आई तीसरी वर्ब ले लो, लर्न, आई लर्न अ लेसन, यू लर्न अ लेसन, ही लर्न्स अ लेसन, दे learn a lesson, Mohan learns a lesson, and Mohan and Sohan learn a letter, my teacher learns a lesson, his parents learn a lesson. ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, जब एक का आपको आ गया तो बाकी सब का भी आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहां पर अगर वर्ड हो अकॉर्ड, अब बनाओ इस वर्ब को, लो आई, पहले तीन आप बनाओ, आई पुश अवर्ड, आई पुश अकॉर्ड, यू पुश ए कार्ड, ही पुशी पुशिज, उसको इच बोलते हैं बाद में, जो ईएस लगाते हैं ना उसको इज बोल। एक्चुअली एक और बात देखिए, ये आपने ये नहीं पूछा कि ये ईएस क्यों लगता है इनमें, जब पहले से ही किसी वर्ड के एंड में स की साउंड पहले से ही हो तो वो जो हम ऐड करेंगे वो अलग से नहीं दिखेगा, इसलिए ऐसे लेटर जिनकी साउंड एस है या एस जैसी है, जैसे स, श, और सी एच भी कभी कभी स की साउंड देता है, एक्स उसमें भी स होता है ऐसे, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि ई एस लगाते हैं और उसको ज बोलते हैं, पुशिज, ठीक है, सो ही पुशिज अ कार्ड, बाकी आप बोलो दीपक सर, दे पुश अ कार्ड, मोहन पुशिज अ कार्ड, गुड, बस एनफ, ठीक है, आगे समझिए। अब देखिए, अब ये हमने जो बातें की हैं ये हमने बताया है कि वो आदमी ऐसा करता है, ये स्टेटमेंट है, और कभी कभी हम पूछते हैं, जैसे आई रीड अ बुक का मतलब है मैं किताब पढ़ता हूं, और अगर पूछा जाए क्या मैं एक किताब पढ़ता हूं, यहां पर क्वेश्चन है, तो जब इनके क्वेश्चन बनाने होंगे तो शुरू में डू लगेगा, जैसे जो स्टेटमेंट अभी तक हमने की है वो था आई रीड अ बुक, ये था ना जी,
अब जब हम इसको पूछेंगे क्या मैं किताब पढ़ता हूं, तो यहां हम डू लगाएंगे, पहले लगा देंगे डू, फिर बाकी को लिख देंगे डू आई रीड ए बुक। ये हुआ क्या? लेकिन अगर ही हो जैसे था ही रीड्स अ बुक, अब ही के कारण क्योंकि ही था ये तो इसके एंड में ऐसे लगा, ही के कारण लगा। अब जब हम डू लगाएंगे यहां पर तो ये जो ऐसे जो ही के कारण लगा था, यानी ही के कारण जो डैमेज होना था, अब मेन वर्ब का नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब का होगा। तो डू अब ये क्योंकि ओ है इसलिए ऐसी आई एस लगना हो तो ईएस लगेगा, तो ये डज बन जाएगा, डज फिर एच छोटा हो जाएगा, डज ही, फिर यहां रीड्स नहीं रहेगा, डज ही रीड अ बुक और क्वेश्चन मार्क, ये चेंजेज करने हैं। फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क, डज पहले, इसका ये बड़ा, क्योंकि अब ये पहला शब्द नहीं रहा इस सेंटेंस का, कि इसका पहला अक्षर बड़ा किया जाए। क्लियर? यही ट्रीटमेंट जब नेगेटिव स्टेटमेंट हो तब भी करते हैं, जैसे था आई रीड ए बुक, ये सीधी स्टेटमेंट है, मैं एक काम को करता हूं, असर्ट कर रहा हूं, मैं किताब को पढ़ता हूं, मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूं, अब नेगेट कर रहे हैं, तो इसमें नोट लगना चाहिए, सिर्फ नोट नहीं लगता डू भी साथ लगेगा, तो आई डू नोट रीड अ बुक, फुल स्टॉप। लेकिन अगर आई की जगह ही हो जाए तो फिर डू की जगह डज बन जाएगा, ये ध्यान रखना है, तो वो बनेगा He does not read, यहां पर reads नहीं रहेगा फिर, क्योंकि मैंने बताया था जो बिगाड़ होना है इस he के कारण, subject के कारण, वो main verb का नहीं होगा, helping verb का होगा। He does not read a book, बस क्लियर हो गया। अब let's see, देखिए अब इसको मिटा दो, आपने लिखना है कुछ तो लिख दीजिए, नहीं तो मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए अब सेंटेंस बनाइए। अब देखो पहला मैं बनाता हूं, आई रीड अ बुक, आई डू नॉट रीड अ बुक, डू आई रीड अ बुक, ठीक है? ही से He reads a book. He does not read a book. Does he read a book? ठीक है, बनाइए आप। तरुण जी आप बनाइए पहले दो चार। I write a letter. I do write. नहीं, do I write a letter? हाँ। I गुड गुड, सोचो सोच के बनाओ, तसल्ली से, एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीड तो बाद में बनाएंगे हम। आई डज नॉट डू नॉट, आई डू नॉट राइट अ लेटर, यस, यू, आई के बाद यू है, हाँ, यू राइट अ लेटर, यू डू, यू डू, यू डू, यू राइट लेटर, यू डू नॉट राइट लेटर, यस, आई लर्न अ लेसन, I do not learn a lesson. Do I learn a lesson? You say? You learn a lesson. Do you learn a lesson? You do not learn a lesson. Good. He? He learns a lesson. He does not learn a lesson. Does he learn a lesson? बोल पे एक sentence ऐसे पूरा तीनों में लिख दूँ पूरा? देख लो आप एक बार ऐसे यहां लिख देता हूं, जैसे आई ईट फूड, आई डू नॉट
eat food or do I eat food? He eats food. He does not eat food. Does he eat food? अब देखो, अब देखो कहाँ क्या लगा है। अब इसके हिसाब से ये आपका पैटर्न है। okay. इसके हिसाब से आप उनको बनाए। किससे बनाया है, क्या बनाया? I drink water. I drink water. I drink a water नहीं। नहीं, drink water. हाँ, I drink water. I do not drink water. हाँ. Do I drink water? Okay. You drink water. हाँ. You do not drink water. हाँ. Do you drink water? हाँ. He drink water. He? He drinks water. हाँ. He does not drink water. Does he drink water? Question mark है इस पे? नहीं, अभी लिखा नहीं, लिख रहा है। ठीक है, चलो push से बनाओ। बाकी बचे हुए दे से शुरू करके बनाओ बेटा। दे पुश अ कार्ट। सुनो तरुण, सुनो क्या बोल रहे हैं, गलत बोलेगा भाई, एकदम पकड़ना। दे पुश अ कार्ट। दे डू नॉट पुश अ कार्ट। डू दे पुश अ कार्ट। मोहन पुशेस अ कार्ट। मोहन डज नॉट पुश अ कार्ट। डज मोहन पुश अ कार्ट। बस ठीक है, ठीक है। अब और कुछ लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फटाफट मैं अगली बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज आपकी उन परिस्थितियों को दिखाने के लिए है जो कि इस समय हो रही है। अगर आप टाइम लाइन ले, जैसे ये प्रेजेंट है, आप यहां पर हो इस समय, अभी 7 बजे आप यहां पर हैं। कोई ऐसा काम है जो 7 बजे से पहले शुरू हुआ था, अब भी चल रहा है और शायद आगे तक भी चलेगा। कोई ऐसा काम है जैसे हम पढ़ रहे हैं, अब से पहले शुरू हुआ था ये पढ़ाई, पढ़ने का काम आगे तक भी चलेगा। तो ये कंटिन्यूअस टेंस होता है। सॉरी, ये कंटिन्यूअस टेंस जो कि जब आप बोल रहे हैं या जब आप लिख रहे हैं उस समय वो प्रोग्रेस में है, वो काम वो पास्ट में नहीं था, फ्यूचर में नहीं था, लेकिन प्रेजेंट में ही अब से पहले शुरू हुआ है और अब से बाद तक चलेगा शायद। आगे का तो शायद ही होता है, पक्का कुछ होता नहीं है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या खेलते हो ऑफिस में, आपने कहा बड़ा ऑफिस है मान लिया कंपनी का, कि मैं तो क्रिकेट खेलता हूं। यहां पर आप अपनी आदत बता रहे हैं, आई प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, मैं संडे के दिन क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, इसका मतलब जो पहले जो संडे गए हैं उनमें भी खेलता था, आगे आएंगे उनमें भी खेलता हूं, ये रूटीन है मेरा। लेकिन किसी दिन आप मैदान में थे, आपका फ्रेंड गया जिसको आपने बताया था कि संडे को क्रिकेट खेलता हूं, उसने देखा कि आप तो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, पूछ रहे आप तो कह रहे क्रिकेट खेलता हूं। हाँ, आई प्ले क्रिकेट ऑन संडेज बट टूडे आई एम प्लेइंग वॉलीबॉल। वो जो वॉलीबॉल आप खेल रहे हैं वो उसी समय खेल रहे हैं, उस मोमेंट पे वो काम हो रहा है, समझ आई बात? जब बोलते हुए या लिखते हुए कोई काम हो रहा है तो उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, और रूटीन में जो होने वाला काम है, जो परमानेंट नेचर का काम है एक तरह का, उसको हम इस सिंपल में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल में। ये समझ आया कि नहीं है? इसकी फॉर्म क्या होती है? जैसे मैं अब इस समय कोई किताब पढ़ रहा हूं, आई बुक, ये तो होंगे ही होंगे, मैंने बताया था, सिर्फ वर्ब की फॉर्म बदलेगी, इसमें वी फोर लगती है।
वी फोर का मतलब रीड और इसके आगे आईएनजी, ये तो हो गया। यहां पर एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगती है और वो तीन में से एक डिसाइड करनी होती है, इज एम और आर, इन में से एक। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आई के साथ एम लगेगा, कोई और सिंगुलर है यू के साथ तो आर ही लगेगा, कोई और सिंगुलर है तो इज के साथ इज, मोहन इज, कोई भी और सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है कोई जिसमें यू भी शामिल है तो आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। तो आई एम रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, दे आर रीडिंग ए बुक, मोहन इज रीडिंग ए बुक, मोहन एंड सोहन आर रीडिंग ए बुक। नहीं का हो तो इसके बाद नोट लगा देना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब थी। और अगर इंटरोगेटिव हो, जैसे ये बनेगा आई एम रीडिंग ए बुक, नेगेटिव हो तो आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, और इंटरोगेटिव हो तो एम आई रीडिंग ए बुक। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसमें स्ट्रक्चर इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन टेंस प्रेजेंट सिंपल होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा ये आपको डिसाइड करना है दिमाग लगा के। और उसमें ये ध्यान रखना है कि अगर एक्शन रूटीन में होता है या कोई साइंटिफिक फैक्ट है या कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ऑलवेज, इससे पता लगता है हमेशा होने वाला काम है, किसी सेंटेंस में ऑलवेज आ जाए इसका मतलब हमेशा की बात है। एवरीडे आ जाए, एवरी वीक आ जाए, एवरी मंथ एवरी ईयर आ जाए, इसका मतलब रूटीन में होता है। यूजुअली आ जाए आमतौर पे, तब भी इसका मतलब रूटीन में होता है। नेवर आ जाए, इसका मतलब नेगेटिव है पर कभी नहीं होता, ये भी उसी में आएगा। क्लियर है ये? तो इस तरह के कुछ वर्ड्स आ जाए तो आपने सिंपल बना। इसी तरह से अगर आ जाए नाउ, इसका मतलब अब की बात कर रहा है। जैसे आपने अभी बताया जो रूटीन के हैं हमारे, उसमें हम ये सिंपल यूज करेंगे, तो वो भी तो रूटीन में ही है। मैं क्रिकेट पहले भी खेलता था, जो आपने एग्जांपल दिया था कॉन्टिन्यूस में, मैं क्रिकेट पहले भी खेलता था, अब भी खेल रहा हूँ, आगे भी खेलता रहूँ, मेरा रूटीन है, ये रूटीन है, तो ये तो सिंपल। पर इसमें जब आप सेंटेंस सिंपल में, तो बता रहा हूँ मैं, जो रूटीन वाले हैं वो सिंपल में ही बनाएंगे जी, और उसमें जो चल रहा है करंटली अभी वो कंटिन्यूस में बनाने हैं। जैसे मैंने बताया था कि आप रूटीन में खेलते हैं क्रिकेट, लेकिन उस दिन वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो जो वॉलीबॉल खेलने वाली एक्शन है उसको बताओगे तो कंटिन्यूस में बताओगे। ठीक, क्रिकेट जी, करेक्ट हो गया। नाउ दिस ईयर, इसका मतलब इस साल की बात हो रही है। टुडे, दिस वीक, अब इस तरह के आ जाए, इसका मतलब ये इस मोमेंट की बात है, यानी ये टेंपरेरी नेचर की चीज है। जो टेंपरेरी नेचर की चीज होती है वो कंटिन्यूस में होगी। जैसे कोई कहे कि यहां पर दिसंबर में बारिश नहीं होती, लेकिन आज हो रही है, कहेंगे कि नहीं हम ऐसे? तो जब हम कहें कि दिसंबर में नहीं होती है, इसका मतलब कभी नहीं होती है, आमतौर पे नहीं होती है। सो इट डज नॉट रेन हियर इन दिसंबर, यहां पर आप डज नॉट लगाएंगे, लेकिन कहेंगे आज बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे, यहां पर रेनिंग कहेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम का है। ठीक है, इसी तरह से कोई कहेगे मैं आज पेरिस जा रहा हूं, छुट्टियों में मैं यूरोप में जाता ही हूं,
जो छुट्टियों में मैं यूरोप में जाता ही हूं, ये एक रूटीन की बात है। आई ऑलवेज या इन वेकेशन आई गो टू यूरोप। आज मैं पेरिस जा रहा हूं, टुडे आई एम गोइंग टू पेरिस। ठीक है, बस ये आपने देखा। तो इसके लिए मैं स्पेशल आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आपने ये डिसाइड करना है उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर से, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिससे पता लगेगा कि ये रूटीन का काम है या किसी की आदत है, किसी का स्वभाव है, किसी का वेकेशन है, या साइंटिफिक फैक्ट है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर ये सब हैं तो सिंपल प्रेजेंट। और अगर कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जैसे नाउ, एट दिस मोमेंट, दिस ईयर वगैरह, इसका मतलब वो टेम्परेरी नेचर का काम है जो सिर्फ अभी हो रहा है, तब आपने कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। या मैं वर्ब बोलता हूं, आपने उससे एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, लेकिन उस सेंटेंस से ये क्लियर दिखे कि ये काम रूटीन का है, ऐसा क्लियर दिखे, फिर उससे एक कंटिन्यूस में बनाओ। जैसे यही वर्ब रीड, इससे मैं बना के दिखाता हूं, इससे जब सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनेगा तो इससे बनेगा आई ऑलवेज रीड इंग्लिश नॉवेल्स। ऑलवेज की बात कर रहा हूं, पहली फॉर्म लगा दी। टुडे आई एम रीडिंग ए हिंदी नॉवल, आज की बात है इसलिए मैं रीडिंग कर रहा हूं। तो रीड था वो, अब तो रीड ही था, लेकिन दूसरे वर्ड्स उसके साथ आ जाने थे, परिस्थितियां बदल गई, तो हमने वर्ब की फॉर्म को भी बदल दिया। अब इसी तरह से जैसे राइट, आई राइट ए लेटर टू माई पेरेंट्स एवरी वीक, मैं अपने पेरेंट्स को एवरी वीक चिट्ठी लिखता हूं। यूजुअली राइट अ लेटर टू माय पेरेंट्स, आई यूजुअली राइट अ लेटर टू माय पेरेंट्स, और बट टुडे आई एम राइटिंग अ लेटर टू माय सिस्टर। यस, क्योंकि वो अब की बात कह रहे हैं, आमतौर पे तो मैं वो लिखता हूं। तो जो काम आमतौर पे होता है, रूटीन में होता है, उसके लिए आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और सिंपल प्रेजेंट, और जो सिर्फ अभी हो रहा है, जो कि आमतौर पे नहीं होता, उसके लिए घंटे। आप भी करो कोई कोशिश, ईट बता करो कैसे। ईट एवरी डे बट टुडे आई एम फास्टिंग, टुडे आई एम नॉट ईटिंग,